Subject Environment Studies Class 2 Lecture 2 Chapter 7 Festival Time. Good morning everyone. Today we will learn about Eid, Gurpurab, Christmas. Before I start this lecture, we will revise Lecture 1 again. So लेक्चर वन में हमने होली के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा कि होली को क्या कहा जाता है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स. ओके, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. और लोग क्या करते हैं होली के त्यौहार में, एक दूसरे को कलर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं. ठीक है, हमने फिर ओनम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने क्या पढ़ा, द मंथ ऑफ अगस्त टू सितंबर इज द टाइम ऑफ हार्वेस्ट एंड इज सेलिब्रेटेड एज ओनम इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में अगस्त से सितंबर के महीने में फसलों की कटाई होती है. ठीक है, तो लोग वहाँ पर इस खुशी में क्या मनाते हैं, ओनम. फ्लोरल डेकोरेशन इज डन इन एंड अराउंड द हाउस ऑन द ईव ऑफ ओनम. लोग अपने घरों को फूलों से सजाते हैं, अपने घर के आसपास फूलों से डेकोरेट करते हैं. ठीक है, डेकोरेशन पूरी अपने घर की फूलों से ही करते हैं. After the monsoon is over, the land becomes fertile and people enjoy Onam. It is celebrated mainly in Kerala. कहाँ पर ये main celebrate किया जाता है, ये केरला में. Snake boat race organize की जाती है केरला में, कब, ओनम फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के समय. स्नेक बोट रेस आर ऑर्गेनाइज इन केरला एज अ पार्ट ऑफ ओनम सेलिब्रेशन. स्नेक बोट रेस ऑर्गेनाइज की जाती है केरला में, कब, ओनम फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के समय. स्नेक बोट Raised are organized in Kerala as a part of Onam celebration. Pongal के बारे में अब हम पढ़ते हैं. Pongal is celebrated in the month of January. Pongal कब celebrate किया जाता है, जनवरी के महीने में. It is time of rice harvest and people offer prayers to the gods and enjoy. ये time होता है जो धान होते हैं, चावल के फसल की कटाई का. ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं और इंजॉय करते हैं पोंगल में. इट इज़ सेलिब्रेटेड मेनली इन तमिलनाडु. कहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, मेनली इन तमिलनाडु. कहाँ पर, तमिलनाडु में. सो आई रिपीट अगेन, Pongal is celebrated in the month of January. It is time of rice harvest and people offer prayers to the god and enjoy. It is celebrated mainly in Tamil Nadu. Okay? Lohri and Makar Sankranti. Lohri and Makar Sankranti are very popular festivals in Punjab and North India. Lohri और Makar Sankranti बहुत ज़्यादा popular festival है, कहाँ, Punjab और North India में. तो Lohri में लोग क्या करते हैं, people burn logs of woods to make a bonfire and throw ravri, popcorn and groundnuts. तो आपने देखा भी होगा, जब लोहड़ी होती है तो लोग क्या करते हैं,
लकड़ियाँ इकट्ठे करते हैं और उसने जला देते हैं, और फिर उसमें रेवड़ी, पॉपकॉर्न और मूंगफली डालते हैं। दे इंजॉय इट विद डांस, और वो इंजॉय कैसे करते हैं, डांस करके, गाना गाते हुए। ओके, दे ऑल्सो सिंग द सॉन्ग्स अराउंड द फायर। सो फिर हमने पढ़ा कि स्पेशल काइट फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन मकर संक्रांति इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। राजस्थान और गुजरात में स्पेशल काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, कब, मकर संक्रांति पर। ओके, वहाँ पर अलग अलग तरह की अलग अलग स्पेशल काइट्स वहाँ पर देखने को आपको मिल सकती हैं। सो आई रिपीट अगेन, स्पेशल काइट फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज ऑन मकर संक्रांति इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। नाउ नेक्स्ट है दिवाली। दिवाली सभी मनाते हैं अपने घरों में। कैसे डेकोरेट करते हैं, दिवाली जब आने वाली होती है, मम्मी पापा आपके घर की सफाई करने लगते हैं, ओके, पेंट करवाने लगते हैं, और अपने घर को आप भी डेकोरेट करते हैं लाइट से, ओके। दिवाली इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, ओके। This is also called the festival of lights. इसे क्या कहा जाता है, festival of lights. किसे कहा जाता है festival of lights? दिवाली को। Candles and diyas are used to decorate houses. House को, अपने घर को decorate करने के लिए क्या use करते हैं, कैंडल्स और दियाज। आपने देखा होगा दिवाली के समय कैंडल जलाते हैं, दिया जलाते हैं सभी। दिवाली बनाते क्यों हैं, क्या रीज़न है दिवाली मनाने का। लॉर्ड रामा किल्ड द डेमन रावणा एंड रिटर्न टू हिज किंगडम अयोध्या। भगवान राम रावण को मार के अपने घर, अपने अयोध्या, अपने राज्य में वापस आए थे, तो वहाँ के लोगों ने उनके आने की खुशी में सेलिब्रेशन जो किया था उसे कहा गया दिवाली। ओके, तो तभी से सेलिब्रेट की जाती है दिवाली। दिवाली के दिन लोग क्या करते हैं, पीपल ऑल्सो वर्शिप गॉड एंड गॉडेसेस, दे विश फॉर पीस एंड हैप्पीनेस। लोग क्या करते हैं, देवी देवता होते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनसे क्या मांगते हैं, पीस और हैप्पीनेस मांगते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। अब हम लेक्चर वन का होमवर्क सॉल्यूशन करेंगे। ए है, टेक द करेक्ट आंसर। नंबर वन डैश इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। कौन से त्यौहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है, होली, क्रिसमस या गुरपुरब को। तो आंसर क्या है, किसे कहा जाता है, होली को। नंबर टू है, लोहरी इज अ बिग फेस्टिवल ऑफ डैश। लोहरी कहाँ का बड़ा फेस्टिवल है, सबसे ज़्यादा कहाँ मनाया जाता है, दिल्ली, पंजाब और चेन्नई। राइट आंसर इज पंजाब। बी, राइट द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल्स ऑफ द फॉलोइंग। आपने फेस्टिवल्स के नाम लिखने हैं। फर्स्ट है, कलर्स आर थ्रोन। राइट आंसर इज होली। सेकेंड इज, फ्लोरल डेकोरेशन इज डन। राइट आंसर इज ओनम। सो अब हम करेंगे लेक्चर टू। ईद, मुस्लिम्स सेलिब्रेट ईद ऑन दिस डे, दे गो टू द मॉस्क एंड ऑफर प्रेयर्स। मुस्लिम ईद सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, ईद मनाते हैं, और इस दिन वो मस्जिद जाते हैं, वहाँ प्रेयर्स करते हैं,
आफ्टर दैट दे विश वन अनदर ईद मुबारक, फिर एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं, विश करते हैं. ओके, सो आई रिपीट अगेन, मुस्लिम्स सेलिब्रेट ईद ऑन दिस डे. दे गो टू द मॉस्क एंड ऑफर प्रेयर्स, आफ्टर दैट दे विश वन अनदर ईद मुबारक. गुरुपूरब, द सिक्स सेलिब्रेट गुरुपूरब. इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडेज ऑफ द सिख गुरुज. गुरुपूरब सिखों के जो गुरु हैं उनके बर्थडे को गुरुपूरब नाम से मनाया जाता है. दे गो टू दी गुरुद्वाराज एंड ऑफर प्रेयर्स ऑन दिस इम्पॉर्टेंट डे. दे कुक लंगर एंड ऑफर इट टू ऑल द पीपल. इस दिन लोग गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ प्रेयर करते हैं. ठीक है, प्रे करने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पर कुक करते हैं, खाना बनाते हैं जिसे लंगर कहा जाता है और लोगों को बांटते हैं. Christians celebrate Christmas on this day. Lord Jesus was born and the Christians go to the church offer prayer there. Christians जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो मनाते हैं Christmas. क्या बनाते हैं, Christmas. Okay? और इस दिन क्या करते हैं, वो चर्च में जाते हैं, प्रे करते हैं गॉड के सामने जाकर चर्च में. ओके, और क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन माना जाता है कि लॉर्ड जीसस का जन्म हुआ था. मैनी ऑफ देम डेकोरेट द क्रिसमस ट्री विद गिफ्ट्स फॉर द चिल्ड्रन. बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घर में क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं. ओके, गिफ्ट के साथ बच्चों को देने के लिए, बच्चों के लिए. और कब मनाते हैं इसे, क्रिसमस कब मनाते हैं, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25th December. 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. दे एक्सचेंज गिफ्ट्स, कार्ड्स, केक्स एंड ग्रीट ईच अदर मेरी क्रिसमस. लोग क्या करते हैं, लोग गिफ्ट कार्ड केक्स जो होते हैं एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं और क्रिसमस की बधाई देते हैं. ओके, मैनी ऑफ देम डेकोरेट द क्रिसमस ट्री विद गिफ्ट्स फॉर द चिल्ड्रन. इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th December. दे एक्सचेंज गिफ्ट्स, कार्ड्स, केक्स एंड ग्रीट ईच अदर मैरी क्रिसमस. Now, today's homework. आज का homework है आपका, A, tick the correct answer. सही answer को क्या लगाना है, Tick लगाना है. First है, Eid is the festival of dash. Eid किनका festival है, Christians का, Hindus या Muslims. B, write the names of the festivals for the following. First, houses are decorated with lights. आपने बताना है कि कौन सा फेस्टिवल ऐसा मनाया जाता है जिसमें घर को लाइट से डेकोरेट करते हैं. Second है, special tree is decorated. कौन से फेस्टिवल में ट्री को डेकोरेट करते हैं. ओके, सो राइट द आंसर इन योर नोटबुक. सो जो भी आज हमने फेस्टिवल्स पढ़े अब हम उन्हें रिवाइज कर लेते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट
ईद। मुस्लिम्स सेलिब्रेट ईद ऑन दिस डे। दे गो टू द मॉस्क एंड ऑफर प्रेयर्स। आफ्टर दैट दे विश वन अनदर ईद मुबारक। जो मुस्लिम्स होते हैं वो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? ईद। और इस दिन वो क्या करते हैं? मस्जिद जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर प्रे करते हैं। उसके बाद फिर वो आपस में एक दूसरे को गले लगाकर क्या बोलते हैं? ईद मुबारक। उन्हें एक दूसरे को विश करते हैं। गुरपूरब। दे सिख सेलिब्रेट गुरपूरब। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडेज ऑफ सिख गुरुज। दे गो टू द गुरुद्वाराज एंड ऑफर प्रेयर्स। On this important day, they cook langar and offer to all the people. जो सिखों के गुरु माने जाते हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है गुरपूरब नाम से। ओके, तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट किस रूप में किया जाता है? गुरपूरब। ओके, तो लोग क्या करते हैं? लोग इस दिन गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ प्रेयर करते हैं और क्या करते हैं? वहाँ पर लंगर बनाते हैं और उसे बांटते हैं। ऑन दिस इम्पॉर्टेंट डे दे कुक लंगर एंड ऑफर इट टू ऑल द पीपल। क्रिसमस। Christians celebrate Christmas. On this day, Lord Jesus was born and Christians go to the church offer prayers there. जो Christmas है वो कौन मनाते हैं? Christians जो होते हैं वो मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? माना जाता है कि Lord Jesus का जन्म उस दिन हुआ था। ओके, तो लोग उस दिन क्या करते हैं? चर्च जाते हैं, वहाँ प्रेयर करते हैं। मैनी ऑफ देम डेकोरेट द क्रिसमस ट्री विद गिफ्ट्स फॉर द चिल्ड्रन। कई सारे क्रिसमस जो ट्री होता है आपने देखा भी होगा, ठीक है, उसे डेकोरेट करते हैं गिफ्ट्स से। ओके, किसके लिए करते हैं ये सब? बच्चों के लिए। और कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? It is celebrated on 25th December. They exchange gifts, cards, cakes and greet each other Merry Christmas. लोग क्या करते हैं? Gifts exchange करते हैं, cards, cakes और एक दूसरे को मिलकर बधाई देते हैं Christmas की। फिर आज का homework क्या है? ए, टिक दी करेक्ट आंसर। फर्स्ट है, ईद इज़ दी फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस हिंदू। सी है मुस्लिम्स। बी, राइट दी नेम्स ऑफ दी फेस्टिवल्स फॉर दी फॉलोइंग। फर्स्ट, हाउसेज आर डेकोरेटेड विद लाइट्स। सेकेंड, स्पेशल ट्री इज डेकोरेटेड। तो आपने क्या करना है? इनके आंसर्स लिखने हैं। इसमें फर्स्ट जो दिया गया है ए का, फर्स्ट है कि आपको सही आंसर, करेक्ट आंसर जो है उसे टिक करना है। और पूछा गया है ईद जो फेस्टिवल है वो कौन मनाते हैं, क्रिश्चियंस हिंदू या मुस्लिम्स। ओके, बी है राइट द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल्स फॉर द फॉलोइंग। आपने यहाँ पर जो आपको फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं उनको पढ़ना है और आपको बताना है कि किस फेस्टिवल की बात हो रही है। हाउसेज आर डेकोरेटेड विद लाइट्स। सेकंड है, स्पेशल ट्री इज डेकोरेटेड। ओके, तो कल हम करेंगे नेशनल फेस्टिवल्स।
प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।